और रिश्तेदार में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको खाना बहुत बेहतरीन मिलता है। तो बच्चों का तो कुछ कर ही नहीं सकते, होटल मस्ती को किसी के भी हो। हाँ, और मैं बोल रहा था कि मतलब रिश्तेदारी में जाने से फ़ायदा ये होता है कि खाना बहुत अच्छा मिलता है और पेट भर के भी खा लेते हो आप। लेकिन बीवी की बुराई नहीं कर सकते हो, क्योंकि समझ रहे हो कि खाना घर पे भी खाने मिलता है, लेकिन हाथ दूसरे के हाथ से खाने का बात ही कुछ और है। तो हम आए हैं रिश्तेदारी में और खाना पीना खाए हैं और आराम कर रहे हैं। IPL का मैच चालू है, संडे है, तो इंजॉय कर रहे हैं। और ये कुछ घर का नज़ारा है, हमारे अली भाई आराम कर रहे हैं एकदम आराम। ये पीछे स्क्रीन पे मैच आ रहा है, लेकिन मैच शो क्यों नहीं हो रहा भाई? राइट बटन तो कोई बात नहीं है, टीवी लगता कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिससे कि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा उसके ऊपर। चलता है, ये सब होते रहता है। एंजॉय करो यार, संडे रिश्तेदारों के घर पे जाओ, कोरोना को दूर भगाओ या फिर भूल जाओ, है नहीं कुछ जबरदस्ती का है बस ये, समझ रहे हो ना मेरी बात। अंडे की फरमाइश थी और अंडा हो गया है ख़त्म। बच्चे को खिलाना था मेरे अंडा रोटी, वो अभी जाके बताएंगे कि अंडा नहीं है घर में, बाहर से मंगाएंगे, बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। ये एक पैसेज है जो कि लोग बैठते हैं इधर, ये कुर्सी है। खाना पीना खाने के बाद मतलब एक बाहरी का हिस्सा है जहाँ पे आराम करते हो, और पीछे से पानी आता है पहाड़ी का, बहुत अच्छी जगह है, सुकून है, ठंडा है। मतलब मुंबई के मेन सिटी से आप साइन विन के से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2-3% डिग्री कम रहता है, मतलब ठंडक है, राहत है गर्मी से। IPL देखने के 2 फायदे हैं, एक जो सट्टा लगाता है वो देखता है, और एक जो टाइम पास करता है वो देखता है, और एक जो फैन होता है वो देखता है, तीसरा फायदा है। मनीष पांडे तो फिलहाल खेल रहा है जो कि अभी अभी आया है, लेकिन डेविड वार्नर को पोलियो हो गया लगता है, मार ही नहीं पा रहा है। शारजा में खेल रहा है, ऐसे लग रहा है कि कहीं और खेल रहा है वो, कि उसको कुछ खेलने नहीं हो रहा। टेस्ट मैच भाई, T20 है, तुम हीटर हो, जाने जाते हो खेलने के लिए तूफानी, लेकिन इतना डॉट कर रहे हो पूछो मत, नींद आने लग जाती है ऐसे लोगों को देखते तो। लेकिन कभी कभी दिन खराब हो तो क्या कर सकते। चाय पी रहे हम लोग, ये महाराजा का भाई, ये महाराज का ऊपर बैठे हुए सब शर्माते रहते आजकल। चाय पीते फिर बाद में बात करेंगे आगे, अभी निकलने का है, बहुत देर हो गया हम लोगों को, कुछ 7 बज चुके हैं। कितना आराम करेंगे दूसरों को घर पे, यहाँ भले से दोस्त और रिश्तेदार रहे, अभी जाएंगे अपने घर पे, वहाँ पर जाके आराम करेंगे। हम चले घर पे अपनी वापस, और इन्जॉयमेंट पूरा यहीं रह गया। बस कुछ यादें लेके जा रहे हैं साथ में, और आपके लिए कुछ नज़ारे। ये रही पब्लिक, एकदम भरपूर नहीं कहेंगे, लेकिन फ़िलहाल 50% तो है, और संडे को भी लोग इंजॉय करते हैं। इंजॉय क्या कहूँ कि सब लोग समझो कि यूं ही टहलते हैं संडे के दिन बाहर निकलकर। संडे का मंजर कुछ इस तरह रहता है, हमारे यहाँ पे भीड़ भाड़ हमेशा रहती है और लोग अक्सर बाहर टहलते घूमते। लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन लोग कहीं निकलते नहीं है और ऐसे नॉर्मली घूमते रहते हैं एरिया में। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं, गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है, अब जाना है घर की ओर। और सभी लोग ने बहुत इंजॉय किया, हंसी मजाक हुई, रिश्तेदारी में गए थे, ऐसे दोस्त यार के इधर नहीं गए थे, रिश्तेदार थे हमारे जो हमारे साड़ू लगते हैं, लेकिन हमने भरपूर इन्जॉय किया, साथ में बैठकर IPL का मैच भी देखा, और बहुत से मोमेंट थे जो यादगार बने हमारे लिए, क्योंकि लोग जाने से डरते हैं। इसलिए मैं ये ब्लॉग के जरिए बताना चाहता हूँ कि आप अपने रिश्तेदार के घर पे जा आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।